हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट फिफ्थ, चेक योरसेल्फ। स्टूडेंट, यूनिट फिफ्थ का चेक योरसेल्फ कराएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 45। स्टूडेंट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे क्या करना है आपको, इसे माइनस करना है। तो स्टूडेंट आप इसे रफ कॉपी में ऊपर नीचे ऐसे लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे रफ कॉपी में लिख लेंगे, 7 5 4 2 8 9, 5 5 3 7 8। ओके स्टूडेंट, इसे ऐसे करना है, 5 से आगे 9 तक काउंट कर लो, 5 से आगे 6 7 8 9 कितने हो गए स्टूडेंट, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दो। 5 से आगे काउंट कर लो, 6 7 8 3 आ गए, है जी। अब 3 है तो जिसके वंश पे, जब वंश पे 2 आ जाए वहाँ तक काउंट कर लो, 3 से आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 6 3 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे 9 आ गया, तो स्टूडेंट 2 में से 3 माइनस नहीं होने थे, तो यहाँ पे 1 के लिए 10 ले लिया, 12 हो गए थे। अब यहाँ 1 इधर चला गया तो यहाँ 3 रह गई। स्टूडेंट आप 7 से आगे 18 तक काउंट कर लीजिए, 7 से आगे 8 9 10 11 12 13 कितने हो गए जी, 3 और 3 6 हो गए। ओके स्टूडेंट, तो 6 यहाँ आ गया, तो स्टूडेंट यहाँ 13 हो गए थे और यहाँ 4 रह गए थे, तो यहाँ 14 हो गए। अब 14 से आगे 6 8 से आगे 14 तक काउंट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 इधर चला गया था यहाँ भी 6 रह गया था, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आप इन्हें कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया जी, 6 6 6 9 3 4। ओके स्टूडेंट, 6,36,940 34, ठीक है जी। अब स्टूडेंट दूसरा वाला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए प्लस है और माइनस है, बोर्ड मास का नियम लगेगा और वो पहले से ही लग रहा है, अगर यहाँ शुरू में प्लस होता हम कुछ भी चेंज नहीं करते, तो इन दोनों को ऐड करके स्टूडेंट इसे माइनस कर देंगे, ठीक है जी। देखिए वन टू फाइव थ्री एट नाइन, तो 2 8 8 4। तो स्टूडेंट जब भी सेकंड नंबर को लिखना शुरू करता है तो उसे वंश की साइड से लिखना शुरू करता है, यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर चलता है लिखते हुए। अब माइनस कर लीजिए, 9 में से 2 माइनस कर दिया 7, 8 में से 8 गए 0, अब यहाँ 13 हो गए। ओके स्टूडेंट, अब 13 में से आपको 8 माइनस करना तो कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ 4 रह गया था तो 4 में से 4 गए 0, 2 और 1, ठीक है जी। ऐड तो, सॉरी स्टूडेंट, ये ऐड का क्वेश्चन था, देखिए इनके बीच में ऐड का चिन्ह है ना, तो ये ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। 9 2 11 कैरी 1, 8 8 16 और 1 17 कैरी 1, 8 4 12 कैरी 1, 10 की 0 कैरी 1, तो ये आ गया, ठीक है जी। अब हमें क्या
माइनस करना है इसमें से, 3, 0, 7, 4 और 3 इसे माइनस करना है। ओके स्टूडेंट, अब एक इधर ले लिया, यहाँ 11 हो गए, 11 में से आपको 3 माइनस करने हैं, 3 से आगे काउंट कर लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 3, 3, 6, 2, 8 तो स्टूडेंट यहाँ 8 आ गया। अब ये इधर चलेगा तो यहाँ 6 रहेगा, अब यहाँ 12 हो गए, और स्टूडेंट 12 में से 7 माइनस कर लीजिए, हाँ जी, तो 7 से आगे काउंट कर लेंगे, 7 से आगे 8, 9, 10, 11 और 12 तो कितने रह गए जी, 5। अब यहाँ क्या कितने रह गए थे, 9, 9 में से 4 गए 5। अब स्टूडेंट यहाँ रह गए 2, 2 यहाँ 12 हो गए, 12 में से हमें क्या माइनस करना, 3, तो 9 बच जाएंगे स्टूडेंट, तो ये आंसर आ गया। ओके, क्या आंसर आ गया जी, 9, 5, 5, 6, 8 तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ही है जिन्हें आपको सोल्व करने हैं। अब नेक्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट, देखिए इसमें दो साइन है, एक माइनस का एक प्लस का, और माइनस का पहले है और प्लस का बाद में है। तो स्टूडेंट अगर प्लस सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐड करते हैं, तो ऐड वाली डिजिट को इसके साथ ऐड करेंगे पहले वाले डिजिट के साथ, और माइनस वाली बाद में चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 9, 5, 8, 6, 7, 4 ये वाली डिजिट है जी। अब हम इसे प्लस करनी, कौन से वाली में प्लस वाली है हमारे पास, 4, 7, 8, 4, 2, 3 तो अब इसे इसमें ऐड करेंगे, इस बाद वाली को इस पहले वाली में ऐड करेंगे, जो माइनस किया है बाद में माइनस हो जाएगी, 4, 4, 8, 7, 7, 14 कैरी 1, और 6, 7, 1, 8, 15 कैरी 1, 8, 4, 12, 1, 13 कैरी 1, और जी 5, 3, 8 और जी 9, 3, 12 तो ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इस वाली डिजिट को माइनस करेंगे, 5, 7, 6, 8 8 में से 5 माइनस कर दीजिए, 3 आ जाएगा, या 4 रहा तो 1 के लिए 10 ले लिया, 14 हो गए, 14 में से 7 माइनस करिए, 7 बच गए, अब यहाँ पर बच गए जी 40, है ना, 14 हो गए, 1 के लिए 10 लगा था, यहाँ 4 रह गए थे ना, तो 1 के लिए 10 ले लिया, 14 हो गए, अगर 14 में से हमने 6 माइनस कर दिया तो कितने बचेंगे स्टूडेंट, 8 बचेंगे। अब एक इधर चला गया, यहाँ 2 रह गए थे, एक इधर से ले लिया, 12 हो गए, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ जी 7, और ये 2, और ये 1, तो इस आंसर को हम यहाँ लिख देंगे, 1, 2, 7, 4, 8, 7, 3 ठीक है जी, हो गया हमारा कंप्लीट। तो स्टूडेंट आप इन्हें रफ कॉपी पे करके देख सकते हैं, है ना, जब आप अपने आप करेंगे किसी भी रफ कॉपी पे तभी आपसे ये करने आएंगे। अब है जी डी वाला, डी वाले में दोनों माइनस हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले वाली डिजिट जो है ऊपर लिखेंगे, 2, 4,
2565। अब जो इसके बाद में उसे नीचे लिख लेंगे 2554। अब स्टूडेंट इन्हें माइनस कर दीजिए 0408 32 ये आ गया जी, है ना। अब जो सम में लास्ट में है उसे भी माइनस कर दीजिए 3899। ठीक है, ये खाली स्थान है। इधर 10 हो गए, 10 में से 3 माइनस करें 7। अब स्टूडेंट यहाँ क्या रह गए, कितने 3 रह गए, तो 1 के लिए इधर से ले लिया, कितने हो गए 13। 8 में से 13 माइनस कर दीजिए 5। अब स्टूडेंट यहाँ कितने रह गए 9। 9 में से 4 गए 5। यहाँ कितने रह गए 7। 7 में से 9 नहीं माइनस होने के, तो 1 के लिए इधर से ले लिया 17 हो गए। 17 में से 9 माइनस कर दिए 8। अब यहाँ कितने रह गए जी 2, तो यहाँ 12 हो गए स्टूडेंट। 12 में से 9 माइनस कर दिए, कितने रह गए 3, और इधर रह गए थे 1। तो स्टूडेंट इन्हें ऐड करके देख लो एक बार, कभी कहीं गलती होगी हो, है ना। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए ऊपर ला अपना आप। 7 8 7 3 10 कैरी 1 है जी, 5 1 6 6 8 14 कैरी 1, 4 1 5 5 10 कैरी 1, 9 1 10 8 18 कैरी 1, 9 1 10 3 13 कैरी 1, 1 1 2। तो ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं स्टूडेंट, उनके लिए आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं, ये सत्य है या असत्य है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट सत्य है तो क्यों सत्य है, है ना, असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक है जी। तो इन्हें समझना जरूरी होता है, मैथ में सभी क्वेश्चन के प्रूफ होने चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, मैथ हर चीज़ को प्रूफ करता है, ये याद करने की चीज़ नहीं है, जैसे कि आप इंग्लिश में या फिर उसमें याद कर लेते हैं, है ना, EVS है या और दूसरे सब्जेक्ट हैं, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको ये हिंदी समझ में आनी चाहिए कि कह क्या रहा है ना जी। तो पढ़िए, द सम ऑफ ए नंबर एंड जीरो, अगर हम एक नंबर और जीरो को ऐड करें, है इज द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर आएगा वो स्वयं ही आएगा। स्टूडेंट देखिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, हमने मान लीजिए 3 ले लिया और एक जीरो ले ली, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो जीरो में अगर 3 ऐड करेंगे तो जो नंबर है वही आएगा ना, इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, वही नंबर आएगा। तो स्टूडेंट वही नंबर आया जिसमें हमने जीरो को ऐड करी, तो इसने भी कहा इज द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होता है वही आता है, क्योंकि जीरो में अगर कोई भी डिजिट ऐड करेंगे तो जीरो में, जीरो का मतलब होता है कि उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, है ना, तो नंबर सेम का सेम रह जाएगा, तो ये बात सत्य है, ट्रू है जी। तो पता चल गया आपको ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है, है ना। तो बी वाला देखिए, द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड जीरो, अगर हम कोई नंबर ले और जीरो ले, जैसे ये लिया था, और उन्हें डिफरेंस निकाल लें, उनका डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, यानी कि सबट्रैक्ट का क्वेश्चन, तो जहाँ भी डिफरेंस दिखाई दे आपको तो सोच लीजिए कि ये माइनस होना है, ठीक है। स्टूडेंट मान लीजिए कोई नंबर दे दिया हमें 5 दे दिया, और उसमें से हमने 0 को माइनस किया, तो स्टूडेंट इन्होंने कहा द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड जीरो इज जीरो, तो स्टूडेंट अगर हम 5 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 5 बचेगा ना, 0 तो नहीं बचने का, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर है अगर उसमें से हम 0 को माइनस करेंगे तो वही नंबर बचेगा,
है ना, जैसे कि ऐड करके। तो ये स्टूडेंट फॉल्स है, क्यों फॉल्स है आपको पता चली गया होगा। अब सी वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये तो माइनस का क्वेश्चन है, इसे आप देख सकते हैं माइनस कर सकते हैं भाई, वंस में से वंस माइनस करेंगे, एट में से वन माइनस कर दिए सेवन, फोर में से थ्री माइनस कर दिए वन, और फाइव में से थ्री माइनस कर दिए स्टूडेंट, फाइव में से थ्री माइनस करेंगे तो टू आएगा ना, इन्होंने जीरो लिख रखी तो स्टूडेंट गलत हो गया, तो ये फॉल्स है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कॉलम अरेंज करके इसे माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब डी वाला क्वेश्चन है, तो डी वाले क्वेश्चन में पहले तो ये बोर्ड मार्क्स के अनुसार सही है लिखा हुआ है ना, तो पहले तो हम स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, वंस वंस वाली डिजिट को ऐड करते हैं, यहाँ जीरो है यहाँ वन है, तो इन दोनों को जोड़ के वन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब वन में से हम फोर को माइनस करते हैं, वन में से फोर माइनस नहीं होने का तो इधर से एक केयर ले लेंगे तो अलेवन हो जाएगा। अगर आप अलेवन में से फोर को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आंसर आएगा, अलेवन से फोर से आगे काउंट कर लीजिए, फोर से आगे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन, तो कितना आया जी सेवन आया, जबकि आना था एट, तो ये भी फॉल्स है। तो स्टूडेंट हमने वंस वंस वाली डिजिट को ऐड करा और जो इसका आंसर आया था वंस वाली डिजिट का, और इसमें से इसका वंस माइनस कर दिया, तो हमें शुरू में ही पता चल गया कि ये फॉल्स है, ठीक है। नहीं तो आप इसे ऐसे ऊपर नीचे रख के इन दोनों को ऐड कीजिए, बाद में इसे माइनस कीजिए जो आंसर आएगा, तो आपको बाद में पता चल जाएगा कि भाई ये फॉल्स है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी थ्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी थ्री, मैच द फ्लोइंग। ओके स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको इन्हें, ये सब माइनस के क्वेश्चन है, तो ये इस वाली जो नंबर दिया गया है आपको, क्या नंबर है जी, सेवन लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी वन, सब में यही नंबर है स्टूडेंट ए से लेके अब तक, ठीक है। अब इसमें से यहाँ टेन माइनस है, यहाँ जीरो माइनस है, यहाँ हंड्रेड है, यहाँ थाउजेंड है, यहाँ वन है, और यहाँ पे सेम नंबर है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इन्हें सोल्व कर लेंगे, इन्हें माइनस कर लेंगे, और माइनस करके जो आंसर जिससे मैच होगा तो उसे उससे मैच कर दिएगे। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, जैसा कि ये वाली डिजिट है आप रफ कॉपी पे कर सकते हैं, एक हम करके दिखा रहे हैं आपको, बाकी आप अपना आप करेंगे। देखिए वन के वन और जी सिक्स में से फाइव, वन माइनस कर दिए फाइव आ गया, टू थ्री फोर सेवन। अब देख लीजिए यहाँ ये कहीं लिख रहा क्या, फिफ्टी वन वाला है, तो फिफ्टी वन वाला ये है, हाँ जी यही है ना, सेवन फोर थ्री टू फाइव वन, तो ये इससे इस पे ए लिख देंगे तो ये ए से मैच हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आप ऐसे माइनस कर लीजिए इन सबको और फिर जो भी आंसर आए लिख दीजिए। अब स्टूडेंट इस नंबर में से हमने कितने माइनस करना, जीरो, जीरो का मतलब है हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है ना, तो ये सेम की सेम डिजिट आंसर आ जाएगी। देख लीजिए ये सेम की सेम डिजिट कहाँ है, तो स्टूडेंट सेम की सेम डिजिट यहाँ रही, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी, ठीक है जी। अब सी वाली, अब स्टूडेंट इसमें से हंड्रेड माइनस करना, वन टू थ्री प्लेस पर देखो, वन टू थ्री प्लेस पर यहाँ टू है, तो टू में से वन माइनस कर देंगे तो वन ही बचेगा, है ना। तो स्टूडेंट आप ये आंसर देख लीजिए, थ्री प्लेस पर कहाँ पे वन है, तो जी थ्री प्लेस पर यहाँ पे वन है ना, और बाकी डिजिट सेम की सेम है, तो इसे हम इससे मैच कर देंगे सी से, ठीक है जी। अब है जी डी, तो इसमें फोर्थ प्लेस पर है स्टूडेंट वन, और इसमें फोर्थ प्लेस पर क्या है थ्री, तो थ्री में से वन माइनस कर दिया तो स्टूडेंट यहाँ टू रह जाएगा, बाकी सब डिजिट सेम की सेम रहेंगी। तो देख लीजिए इधर से फोर प्लेस पर कौन से में टू है,
जो लिख दिया उन्हें छोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस पर यहाँ पर 2 है, तो 74 2 6 1 तो ये इससे ही मैच होगा। ठीक है जी, अब ये है तो स्टूडेंट यहाँ 1 है और माइनस 1 करना, तो 1 प्लेस पर 1 करना तो यहाँ 60 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो देख लीजिए 60 कहाँ है, ये रहा 60, तो ये होगा। तो ये स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक है माइनस करने की, घटाने की। अगर 0 1 0 को माइनस करना तो उसे इस प्रकार माइनस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब ये रह गया लास्ट वाला, तो देखिए स्टूडेंट दोनों डिजिट सेम की सेम है, 7 4 7 4 3 2 3 2 6 1 6 1। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि अगर कोई सेम डिजिट को माइनस किया जाए, जैसे 5 को 5 में से माइनस कर रहे, 10 को 10 में से माइनस कर रहे, 100 को 100 में से माइनस कर रहे, तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो जी 0 ये रहा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये आपकी जो मैचिंग थी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इन्हें पहले रफ कॉपी में माइनस कर लेंगे और माइनस करके जो आंसर जिससे मैच हो रहा उस पर वही नंबर डाल देंगे। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है जी, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 रॉन्ग है। तो जौन सा ऑप्शन स्टूडेंट सही है आपको उस पे टिक का निशान लगाना, राइट का चिन्ह लगाना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट हमें 4 ऑप्शन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हम अपना जो क्वेश्चन दिया है उसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके जिस भी ऑप्शन से हमारा आंसर मैच करेगा तो उस पर हम टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता, मान लीजिए किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं किया, तो आप सोच लीजिए कि आपसे क्वेश्चन करना नहीं आता, आप दोबारा ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। ठीक है जी, तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया है 90,000 - 1। तो स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना, इस क्वेश्चन को सोल्व करना, 90,000 में से माइनस 1 करना। देखिए अब माइनस 1 कीजिए, तो स्टूडेंट हमने बताया था कि अगर 0 0 0 है सभी, तो आप याद रखें लास्ट जहाँ पे आपने केरी लेना वहाँ पे तो 10 हो जाएंगे, बाकी सब जगह 9 9 रहेंगे, और जिससे केरी लिया वहाँ एक माइनस हो जाएगा, इसमें से एक केरी लिया था 9 से, तो 9 में से 1 माइनस कर दिए, 8 रह गए, और बाकी सब जगह 9 9 रहेगा और लास्ट में 10। तो स्टूडेंट 9 में से 1 गए, 9 बच गए, तो स्टूडेंट ये 0 माइनस कर रहे, तो 0 का मतलब कुछ भी माइनस नहीं कर रहे, सेम की सेम डिजिट रहेगी। तो स्टूडेंट यहाँ तो 8 रहेगा था। ठीक है जी, आंसर आगा। अब इस आंसर को देख लीजिए आप, कौन से उससे मैच कर रहा है ना। तो स्टूडेंट ये 4 से ही मैच कर रहा है, 8 8 और जी 4 × 9। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, हमें सभी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, तुक्के नहीं लगाने स्टूडेंट कि भाई कौन सा सही है, मैथ में ये तुक्के नहीं चलते। ठीक है जी, तो अब भी वाला 1 lakh - 1000। तो स्टूडेंट इसमें 1 lakh नहीं लिखा, यानी कि उसे न्यूमरल में नहीं लिखा, तो सबसे ये वर्ड्स में लिख रहा है, तो सबसे पहले आप इसे न्यूमरल में लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लैक तक के 1 stand डाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000 और lakh, कितना है जी 1 lakh, इसके नीचे 1 लिख दिया, बाकी सब 0 हो गई।
अब इसमें से क्या माइनस करना जी, 100,000। तो देखिए स्टूडेंट, जो 100,000 दिया इसे आपको रीग्रुप करना होगा, क्योंकि 100,000 नहीं होते। आपने जो पिछले प्रीवियस एक्सरसाइज है उनमें सीखा था कि रीग्रुप कैसे करें, है ना। तो स्टूडेंट ये 1000 है, तो 1000 से शुरू करेंगे। 1000 कहाँ है, ये रहा, 1000 से लिखना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट 1,00,000 में से 100,000 माइनस किया आपने, तो 0,0,0,0,0 और 1 में से 1 माइनस कर दिया, 0। तो ये रीग्रुप होगा। रीग्रुप में वहीं से वन स्टेंस शुरू करते हैं जो प्लेस उसमें लिखी होती है। तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया, 0, है ना। तो स्टूडेंट एक 0 लिख लो या बहुत सारी 0 लिख लो, तो उनकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी ना। तो इसका आंसर आगा फोर्थ वाला, ये रहा। और आंसरों को हमें देखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। अब है जी क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मच इज, है तो स्टूडेंट ये क्या है, ये कितना लिखा है, 1,00,000 लिखा है ना। देख लीजिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 1,00,000 मोर ज्यादा है। हाउ मच माने कितना, है ना, यानी कि 1,00,000 कितना ज्यादा है देन 60,606 से, है ना। तो ये कितना ज्यादा है, ज्यादा निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फिर इसमें से 1,00,000 में से आप कितना माइनस कर देंगे, 60,606 माइनस कर दीजिए। अब स्टूडेंट हमने आपको क्या ट्रिक बता रखी, जहाँ पे अगर 0,0 है आपको कहीं कैरी लेना, तो वहाँ तो 10 हो जाएंगे और बाकी सभी जगह 9,9 रहेंगे। और जिससे लिया वहाँ पे एक 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 1 था तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 आ गई, ठीक है जी। अब 10 में से 6 माइनस कर दिया 4, 9 0 माइनस करेंगे तो 9 ही रहेगा, और 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 0 माइनस कर रहे 9 हो जाएगा, फिर 6 माइनस कर रहे तो 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब ये आंसर है, मैच कर लीजिए कौन से ऑप्शन से मैच करता है, 39, 39, 4। तो स्टूडेंट पहले ऑप्शन से मैच कर रहा है ना, ये हो गया जी। अब डी वाला क्वेश्चन, तो स्टूडेंट 8 वाले में 8,000 है और 800 है, इन्हें माइनस करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप 1 स्टैंड डाल लेंगे 1000 तक के, 1, 10, 100, 1000, 8,000 है इसलिए हमने 10,000 नहीं डाला, क्योंकि डबल डिजिट नहीं थी, अगर डबल होती तो हम 10,000 भी लिखते। तो स्टूडेंट कभी कभी आप लोग जो है वो आलस मान जाते हैं कि भाई 1 स्टैंड नहीं डालते, ऐसे ही करते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप ऐसे ही करते हैं तो उसमें गलत होने की संभावनाएं 90% होती है, तो इसलिए आप 1 स्टैंड पे डालने में कभी भी आलस से मत करें, ठीक है जी। अब 1000 प्लेस पे 8 लिखिए, ये रहा 1000 प्लेस, हमने 8 लिख दिया। अब कितने माइनस कर रहे हैं, 800 कहाँ है जी, ये रहा 8 पे 100 लिख दिया, 100 प्लस पर आप इसे माइनस कर दीजिए, 0,0। अब स्टूडेंट इधर वो एक 10 ले लिया, 10 हो गया, 10 में से 8 माइनस कर दिया, 2 आ गए जी, यार एक 7 इधर चला गया तो यहाँ 7 रह गए। तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप करते हैं उन क्वेश्चन का आंसर अगर ट्रू फॉल कर रहे हैं मैथ में, या फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं, तो वे सब सोल्व करके ही होंगे, ठीक है जी। उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, तो उस लॉजिक को समझें, ठीक है। अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो स्टूडेंट उसके लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, है ना।
हम आपको दोबारा समझाएंगे। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है स्टूडेंट तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।